वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें दिया गया है कि एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है जिसका लेंथ है 32 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 26 सेंटीमीटर। अब इसके चारों कॉर्नर से 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट करके निकाल दिया गया है। अब बाकी जो कार्डबोर्ड बचा है उससे एक रेक्टेंगल कंटेनर बनाया गया है। रेक्टेंगल कंटेनर मतलब कि वो एक क्यूबॉइड के फॉर्म में होगा, सो एक क्यूबॉइड बनाया गया है। तो हमें उसका वॉल्यूम पता लगाना है। सो वॉल्यूम पता लगाने के लिए हमें उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता लगाना होगा। सो लेंथ ऑफ द कंटेनर, लेंथ ऑफ द कंटेनर होना चाहिए, टोटल लेंथ इज 32 सेंटीमीटर। सो 32 माइनस, यहां से 3 सेंटीमीटर कट जा रहा है और यहां से 3 सेंटीमीटर कट जा रहा है। सो 3 इंटू 2 मतलब कि 6 सेंटीमीटर माइनस हो जाना चाहिए। सो माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू होगा 32 माइनस 6 इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। नाउ ब्रेथ ऑफ द कंटेनर, ब्रेथ ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू होना चाहिए टोटल जो ब्रेथ है यानी कि 26 सेंटीमीटर माइनस, यहाँ पे से 3 सेंटीमीटर कट जा रहा है और यहाँ से 3 सेंटीमीटर कट जा रहा है। सो यहाँ पे भी माइनस 6 हो जाएगा। 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 26 माइनस 6 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द कंटेनर, हाइट ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू होना चाहिए जितना पार्ट कट किया गया था उसी को हाइट बनाया जाएगा क्योंकि इसको फोल्ड कर कर ऊपर तरफ कर दिया जा रहा है। सो 3 सेंटीमीटर विल बी द हाइट ऑफ द कंटेनर। सो 3 सेंटीमीटर, अब हम आसानी से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू होगा लेंथ 26 इंटू ब्रेथ 20 इंटू हाइट 3 सेंटीमीटर क्यूब। इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1560 सेंटीमीटर। थैंक यू।